सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। एशिया कप 2018 के पहले सुपर फोर मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार बॉलिंग की। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेले जा रहे मुकाबले में उन्होंने 10 ओवर में 4 विकेट झटके। हालांकि उन्होंने अपने पहले ओवर में एक नो बॉल और एक डेड बॉल फेंकी। जब एम्पायर ने उनकी गेंद को डेड करार दिया तो कप्तान रोहित शर्मा एम्पायर से बात करने पहुंच गए और उन्होंने काफी देर तक एम्पायर से इस पर बात की। कमाल की बात ये रही कि जडेजा ने इसी ओवर में विकेट लेकर खुद को बेहतर साबित कर दिया। दरअसल बांग्लादेश की पारी के 9वें ओवर के बाद रोहित ने जडेजा को बॉलिंग सौंपी। इस दौरान उनकी दूसरी गेंद पर थोड़ा विवाद हो गया। एम्पायर ने इस गेंद को डेड बॉल करार दे दिया। एम्पायर के डेड बॉल करार देते ही रोहित उनके पास पहुंच गए। रोहित ने डेड बॉल का इशारा करने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने एम्पायर से पूछा ये डेड बॉल कैसे हो सकती है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ और जडेजा को अगली बॉल फेंकनी पड़ी। लेकिन खास बात ये रही कि जडेजा ने इस ओवर की चौथी गेंद पर बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन को पवेलियन भेज दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।